जेसीआई इंडियाना राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जेसीस ऑफ सूरत नी मुलाकात लेवामां आवी हती। जेसीआई इंडियाना वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राखी जैने गुजरात झोन 8 जेसीस ऑफ गुजरात नी मुलाकात लीधी हती। आ मुलाकात दरमियान डॉक्टर नीलेश पटेलना अध्यक्ष साने संस्थाना होदेदारोनी मीटिंग योजवामां आवी हती। सूरतनी मुलाकाते आवेला जेसीआई इंडियाना राष्ट्रीय अध्यक्ष राखी जैने संस्थानी कामगीरी निहाळी होदेदारोने अभिनंदन पाठव्या हता। जेसीआई एक व्यक्तित्व विकास की संस्था है और आज हमारे राष्ट्रीय प्रमुख जेएफपी राखी जैन मैम रांची से सूरत आए थे। जेसीआई में हम विविध प्रकार के एक्टिविटीज़ देखते हैं, अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, समाज सेवा के बहुत सारे कार्यक्रम, बिजनेस रिलेटेड कि लोगों को किस तरह बिजनेस में बेटरमेंट मिले उस तरह के कार्यक्रम, पीआर इवेंट्स और ऐसे विविध कार्यक्रम होते हैं। आज हमारे राष्ट्र प्रमुख जब यहाँ आए थे तो उनके प्रेजेंस में हमने बहुत सारे इसी तरह के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया था। जेसीआई संस्था सिर्फ ये चीज़ मानती है कि अगर समाज का विकास कोई करना चाहता है तो पहले हमें स्वयं का विकास करना ज़रूरी है। अगर हम स्वयं का विकास करेंगे तो समाज का विकास अपने आप हो जाएगा और इसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्र प्रमुख हर एक शहर में साल में जाते हैं और सूरत में आज वो आए थे। सो बस हम यही एक चीज़ आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे जेसीआई काम कर रहा है वैसे आप सब भी इसी तरह अच्छे अच्छे काम समाज के लिए करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, माइसेल्फ जेसी डॉक्टर नीलेश पटेल फ्रॉम जेसीआई सूरत मेट्रो। मित्रों, आज हमारा जेसीस ऑफ सूरत तरफ थी सूरतना दरेक लोम द्वारा नेशनल प्रेसिडेंट मैडम ने ऑफिशियल विजिट है त्यारे अमे दरेक प्रेसिडेंट मित्रों अहीं उपस्थित छे अने आजे खूब सरस नेशनल प्रेसिडेंट मैडम नी उपस्थिति में अमारे त्यां कार्यक्रम योजायो अने आजे आ कार्यक्रम छे एनी अंदर वर्ष दरमियान अमारा प्रेसिडेंट मित्रों कम्युनिटी होय, पीआर होय, ट्रेनिंग होय के जुदा जुदा कार्यक्रमों जे वर्ष दरमियान थया, खास करीने पेन्डेमिक सिच्युएशन नी अंदर ब्लड डोनेशन कैम्प थी लईने विविध कैम्पोनुं आयोजन थयुं। तो मैडम आजे आखा वर्ष दरमियान जेटला पण प्रोग्राम्स थया छे एनी समीक्षा करशे अने घणा बधा अत्यार पछीना अपकमिंग प्रोग्राम्स छे एने पण खुल्ला मूकशे। मैडमना हाथे आजे आ खुल्ला मुकाया छे ने हजु बाकीना प्रोग्राम्स अत्यार पछी थवा जई रह्या छे। त्यारे आप मीडियाना दरेक मित्रोना माध्यमथी मारे आप सौने जणाववानुं के जेसीआई समग्र विश्वमां फैलायेली एक संस्था छे अने ए संस्था एनजीओ तरीके समाजनी अंदर पोतानुं श्रेष्ठ प्रदान कई रीते आपवुं अने आवनारा दिवसोमां पोताना जेसीस मेम्बरोना माध्यमथी केवी रीते सारामां सारूं काम थई शके एवा विचार साथे अमे काम करी रह्या छे अने अमे दरेक प्रेसिडेंट मित्रो आजे आ नेशनल प्रेसिडेंट मैडमनी ऑफिशियल विजिटथी खूब खुश छीए अने आवनारा दिवसोमां हजु वधारे सारूं काम करता रहीशुं। ओके सर, आजे आपको कैसा लग रहा है? मैं सूरत शायद मैं पहली बार आई और बहुत सालों से इच्छा थी सूरत आने की, कभी मौका नहीं मिला। तो जेसीआई को धन्यवाद देती हूँ कि आज इसी बहाने नेशनल प्रेसिडेंट बनके सूरत आने का मौका मिला और वन ऑफ द बिगेस्ट हब, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सूरत जैसी जगह में आने का मौका मिला। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और जेसीआई में भी बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, इसलिए इन सबसे मिलकर और सूरत आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जेसीआई की एक्टिविटी सूरत में बहुत अच्छी है क्योंकि काफ़ी यहाँ पे 11 प्लस चैप्टर्स हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ उसमें से तो 50 इयर्स ओल्ड लोम भी हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कितने एक्सपीरियंस लोम्स हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक फील्ड में वो कवर कर रहे हैं और हर तरह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप रांची से आती है, महेंद्र धोनी के वहाँ से आ रही है, तो आपको रांची और सूरत में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? रांची महेंद्र सिंह की धोनी के लिए फेमस है, सूरत अपने कपड़े और अपने बिजनेस के लिए फेमस है। सब शहर की अपनी अपनी खासियत होती है, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। रांची अपनी जगह पे खूबसूरत है, सूरत अपनी जगह पे खूबसूरत है। आप सूरत के जेसीआई के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जेसीआई के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह से हम ग्रोथ को लेकर, जिस तरह से हम जेसीआई की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते आ रहे हैं और उनके सपोर्ट से ही हम 11 चैप्टर यहाँ पे सूरत में खोल चुके हैं, इसी तरह जेसीआई की एक्टिविटीज़ आगे बढ़ते रहें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स खोल पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेम्बर्स को अपने चैप्टर्स में इंडक्ट कर पाएँ, क्योंकि हम जेसीआई को एक एक कोने में पहुँचाना चाहते हैं और इसका इम्पैक्ट फैलाना चाहते हैं। तो यही सेम संदेश, सेम रिक्वेस्ट मेरे जेसीआई के मेंबर, सूरत के मेंबर से हैं कि वो जितना से ज़्यादा हो सकता है मेंबरशिप को बढ़ाए, ग्रोथ को बढ़ाए और जेसीआई को एक एक कोने तक पहुँचाएँ।